साथ वापस आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। और ये वीडियो है कश्मीर में हर हर महादेव के नारे गूंज उठे। महादेव के नारे किसने गूंजे, मतलब किसने बोले, वो मुस्लिम्स का नाम आ रहा है कि मुस्लिम्स जो है कश्मीरी मुस्लिम्स, उन्होंने हर हर महादेव के कश्मीर के रोड पर जो है नारे लगाना शुरू कर दिए हैं, रैलियां निकाली हैं, भगवा कलर पकड़ा हुआ है झंडा और बस निकले हुए हैं बाहर। तो अगर वाकई में ये सच है तो ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कश्मीर की गलियों में रोड्स पर इस तरह से मुस्लिम्स अगर भगवा कलर को पकड़ के हर हर महादेव के अगर नारे लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। फ्रेंड जल्दी से चलते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। सो यस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैनल पर न्यू हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। ओके भगवा झंडा तिरंगा हाथों में और जय श्री राम के नारे, ये तस्वीरें हैं उस कश्मीर की जहां पहले सड़कें सुनसान रहती थी। हिंदू तो क्या, मुसलमान भी घरों में दुबके रहते थे। कोई त्योहार कोई यात्रा यहाँ कभी होती ही नहीं थी क्योंकि डर था कि आतंकी हमला न कर दे। जान माल की सुरक्षा के लिए लोग बाहर निकलने से भी डरते थे। लेकिन आज यहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो गवाह है इस बात की कि कश्मीर अब बदलाव की राह पर है, या कहें कि पूरी तरह से बदल ही चुका है। ये यात्रा कश्मीर के पुंछ जिले में निकाली जा रही है। त्रिशूल स्थापना यात्रा में लोग बाबा भोलेनाथ का त्रिशूल और डमरू को मैदान में स्थापित कर रहे हैं। हाथों में तिरंगा है, भगवा झंडा है और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। वही इलाका है जहां आतंकी हमले होते रहते हैं, लेकिन आज की ये तस्वीरें उन विरोधियों के मुंह पर भी करारा तमाचा है जो कश्मीर में बदलाव की बयार का विरोध करते हैं। ये तस्वीरें आज उन्हें देखनी चाहिए कि जहां आज तक अमन सुकून से कोई जी नहीं पाता था, हर दिन आतंकी हमलों का डर लगा रहता था, आज उसी कश्मीर में जनता बेखौफ यात्रा निकालती है, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। पूरे कश्मीर का माहौल भक्ति में है, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। त्रिशूल स्थापना यात्रा में हर धर्म के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यात्रा का स्वागत धूमधाम से किया जा रहा है। बासियत चेयरमैन पीर पंजाल अवामी डेवलपमेंट फोरम मोहम्मद फरीद मलिक, आज त्रिशूल यात्रा हमारे मंदिर से निकाल कर यहाँ पर पहुँचाई गयी, जो मंदिर हमारे यशपाल शर्मा जी ने अपनी मौजूदगी में बनाया था, तो उनके रहते हुए ये यात्रा वहाँ से शुरू होती थी और यहाँ पर जो है इख्तिताम पजीर पुंछ कॉलेज ग्राउंड में होती है। तो इसका मकसद यही है कि कल परसों से यात्रा जो वो यहाँ पर आनी है, हर साल की तरह इस साल भी हमारे मेहमान जो है बाहर से आ रहे हैं, वो यहाँ पर रुककर फिर बुढ़ा अमरनाथ मंडी जाएंगे। तो आज ये त्रिशूल यात्रा का मकसद यही था कि अमन भाईचारा, और जो यशपाल शर्मा साहब एक तारीखी शख्सियत थे, उन्होंने जो शुरुआत की थी वो आज जो है एडवांस पे यहाँ पर पहुँचा कर जो है वो यहाँ पर हमारे जो भाई हैं इन्होंने यहाँ पर एक शुरुआत की है। तो कल परसों से जो यात्रा नई आनी है तो उसके लिए ये बताया गया कि अब यात्रा जो है वो शुरू है, तो आने वाले वक्त में जो है वो यात्रा मंडी बुढ़ा अमरनाथ और पुंछ में आएगी। तो हम पूरी हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी हमारे लोग हैं वो हर साल की तरह इस साल भी खुशामदीद अपने भाइयों को कहेंगे और यहाँ से अमन और भाईचारे का पैगाम जो पूरे हिंदुस्तान को जाएगा ताकि हमारा हिंदुस्तान जो गुलदस्ता है ये फला फूला रहे। मेरा नाम पंडित गोपाल कृष्ण है, हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर यात्रा का आयोजन किया गया है जिसमें बिना मजहब मिल्लत सभी धर्मों के लोग शामिल होकर के भारत समस्त भारत से आए हुए यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो उस उपलक्ष्य में आज त्रिशूल यात्रा निकाली गई। पिछले दो तीन वर्ष से लगातार ये त्रिशूल यात्रा यशपाल शर्मा जी की याद में निकाली जाती है क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा इस यात्रा में योगदान रहा है।
तो त्रिशूल यात्रा जो है वो ग्राउंड में पहुंच गई और त्रिशूल की स्थापना हो चुकी है। तो इस उपलक्ष्य में सभी लोगों ने मिल करके इस यात्रा को कामयाब बनाया है, क्योंकि ये हमारा एकता का जो गुलदस्ता, आपसी भाईचारे का गुलदस्ता है, इसका नज़ारा यही इस यात्रा में देखने को मिलता है। आज आप देख रहे हो श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा जो विश्व हिंदू परिषद विद्रांग दल से होने जा रही है, जो जिसका पहला जत्था पुंछ में परसों आएगा, उसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे आज एक त्रिशूल यात्रा निकाली है, जो कि शेरे पुंछ यशपाल शर्मा जी की याद में निकाली गई है, जो कि नवग्रह मंदिर से होते हुए अभी त्रिशूल लेके यहाँ कॉलेज ग्राउंड में आई है। यहाँ विधि पूर्वक इस त्रिशूल की यहाँ पे स्थापना होगी। ये शेरे पुंछ यशपाल शर्मा जी की याद में, क्योंकि शेरे पुंछ यशपाल शर्मा जी ने ये जो हमारी जो बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है, इसमें बड़ा भारी उन्होंने योगदान दिया था, हर तरह से उन्होंने योगदान दिया था इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। हम उनके अति ऋणी हैं, जो उन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया इस यात्रा को। उनकी याद में आज हमने यहाँ पे एक त्रिशूल यात्रा निकाली है, जो कि नवग्रह मंदिर से होते हैं यहाँ पे आज काले ग्राउंड में आई है। धन्यवाद। तो ये खूबसूरत तस्वीरें आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। बड़ी अच्छी एक खबर है कि इंडिया में जो जो इंडियन मुस्लिम्स हैं और सारे ही मिलकर कश्मीर की जो रोड है वहां पर और पूंछ में जो है आज इंडियन तिरंगा लहराया जा रहा है, और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतनी आजादी से, इतनी सुकून से जो वहाँ पर लोग हैं वो भगवा कलर निकाल कर महादेव की जो नारे हैं वो लगा रहे हैं। हर हर महादेव की जो गूंज है वो हर जगह पर उठी हुई है, बहुत जबरदस्त एक वॉइस आ रही है, और भगवा कलर कश्मीर के रोड्स पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, और इससे पहले कभी इस तरह से नहीं देखा होगा जो अब देखने को मिल रहा है। मतलब एक ख्वाब लग रहा है कि वाकई में ही ऐसा हुआ है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। 370 हटने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है। 370 हटने के बाद ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें हमें चेंज देखने को मिली हैं, और पब्लिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी नज़र आई इस बार 15 अगस्त को, एंड उसके साथ साथ शायद ये G20 के बाद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है कश्मीर में, डेवलपमेंट हुई है, उस पर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो शायद यही वजह है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश है गवर्नमेंट से और वहाँ के इन्वायरमेंट से, सिस्टम से, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कंट्री के लोग, हर सिटी के लोग डिजर्व करते हैं बेहतर लाइफ और जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज। अब उनकी सिटी इतनी खूबसूरत बनाई जा रही है, लाल चौक बनाया गया है इतना खूबसूरत, श्रीनगर को खूबसूरत बनाया गया है, डेवलपमेंट की जा रही है, उस लिहाज से अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से भी पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश है वहाँ की, लोकल लोग और जो लोग हैं वहाँ पर, मुस्लिम्स भी इसमें आए हुए हैं, हिंदू भी आए हुए हैं, सब मिलकर जो है वो रैली निकाल रहे हैं। सो आई थिंक कि ये एक वाकई में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है। इमेजिन नहीं किया जा सकता था कि इस तरह से कश्मीर में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की वहाँ पर सिचुएशन चल रही थी, क्रिटिकल सिचुएशन थी। इवन दो अगर आप देखें तो कश्मीर से हटकर अगर आप दिल्ली की तरफ देख लें तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें बहुत सारी होती हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, तो उस लिहाज से कभी लगता नहीं है जैसे वो पूजा कर रहे हैं तो पत्थर फेंक दिए जाते हैं, गोश्त के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर तो यार ज़्यादा अमन है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, और यहाँ पर लोग जो हैं वो और ज़्यादा, हालाँकि हम देखें तो पहले की निस्बत देखें तो पहले बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में लोग ज़्यादा लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी, बट अब देखा जाए काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, बहुत कुछ। सो अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सो वाकई में मुझे तो बहुत अच्छा लगा लोगों का जज्बा देख कर, लोगों की बातें सुनकर, लोगों के हर हर महादेव के नारे देख कर, मज़ा आ गया। तो आई थिंक ये करंट गवर्नमेंट की ही मेहरबानी है जो उन्होंने अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट की वजह से आज यहाँ पर ये चमत्कार देखने को मिला है, तो बहुत बड़ा ही चमत्कार है। तो अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें,
और शेयर कर दिया करें हमारी वीडियो को, ताकि हमें भी प्ले बटन मिल जाए। 3 साल से अभी तक प्ले बटन नहीं मिला है। सब मुझसे पूछते हैं आपको प्ले बटन नहीं मिला है, तो मैं कहती हूँ नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। हमारे यूट्यूब वाले शेयर ही नहीं करते, हमारे फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करा दिया करो यार, ताकि हमारा यूट्यूब चैनल भी आगे बढ़ सके और हमें भी प्ले बटन मिल जाए फ्रेंड्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।